नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कॉर्डलेस ड्रिल वर्सेस कॉर्डेड ड्रिल की। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में ड्रिल के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक कॉर्डलेस ड्रिल होगी और दूसरी कॉर्डेड रहेगी। अगर आप प्राइस वाइज कंपेयर करें तो आजकल मिलने वाली 12 वोल्ट कॉर्डलेस ड्रिल्स ये कॉर्डेड ड्रिल्स के आसपास ही कीमत में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आ सकता है कि इन दोनों में से हम क्या खरीदें और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो आइए इस वीडियो में ये देखते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर 18 वोल्ट कॉर्डलेस इंपैक्ट ड्रिल के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके सहूलियत के लिए डाल दूंगा। और ये एक प्रोफेशनल 600 वाट की इंपैक्ट ड्रिल है और ये दोनों ही बॉश की मशीन्स हैं। ये वीडियो बॉश ने स्पॉन्सर्ड नहीं किया है और ये दोनों ही टूल्स मेरी खुद की है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ये आ जाता है जो है इंपैक्ट। तो कुछ सालों पहले जो कॉर्डलेस ड्रिल्स हमें मिला करते थे उनमें हमें ये हैमर फंक्शन नहीं मिलता था। उसके कारण इन कॉर्डलेस ड्रिल्स से कंक्रीट में होल करने के लिए काफ़ी तकलीफ हो जाती थी। लेकिन जो नए मॉडल्स आए हैं जो जीएसबी रेंज के अंदर है उनमें हमें हैमर फंक्शन भी मिल जाता है। तो अब ये ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं उसी तरह जिस तरह हमारे हैमर ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं। अगर आप हैमर ड्रिल में देखें तो यहाँ ऊपर इजीली आप दो मोड में स्विच कर सकते हो, एक हैमर मोड और एक ड्रिल मोड। अगर आप कॉर्डलेस मशीन देखें तो इसमें तीन मोड आते हैं, एक हैमर मोड, एक ड्रिल मोड और एक स्क्रू मोड। तो दोस्तों, सबसे बड़े दो डिफरेंसेस इन दो मशीन्स में ये है, जनरली मेजॉरिटी मिलने वाले कॉर्डलेस ड्रिल ड्राइवर्स ये इस तरह से कीलेस चक के साथ होने वाले हैं, जबकि जो कॉर्डेड ड्रिल्स है वो इस तरह से की चक के साथ आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बिना किसी की के इसे ऑपरेट कर सकता हूँ, इसीलिए ये कीलेस चक हो गया। और हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रिल्स पे हमें इस तरह से इस की का इस्तेमाल करके हमारे ड्रिल बिट को डालना निकालना पड़ता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों, फिर आप सोचेंगे कि कॉर्डलेस से बेटर कॉर्डेड ही होगा क्योंकि बैटरी रिचार्ज चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम चाहे उतनी देर हमारा काम कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे कॉर्डलेस ड्रिल ड्राइवर को हमारे नॉर्मल कॉर्डेड ड्राइवर से बेहतर बनाती है, वो है इसकी टॉर्क सेटिंग। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो मोड्स के साथ साथ इसके आगे की तरफ ये जो रिंग दी है इसके कारण हम अलग अलग टॉर्क में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और जिस सेटिंग के अनुसार हम टॉर्क रखेंगे उसके बाद हमारा ड्राइवर यहाँ पे स्लिप होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ दो नंबर पे टॉर्क रखूँ और ये अगर स्क्रू मोड में हो तो ये देखिए इस तरह से स्लिप हो रहा है। तो अगर हम ड्रिल और हैमर फंक्शन देखें तो दोनों ही डिवाइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि आपकी यूसेज में सिर्फ ड्रिलिंग ही ये पार्ट है तो कॉर्डलेस की जगह आप कॉर्डेड ही ड्रिल लीजिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगी क्योंकि इसमें कोई बैटरी की झंझट नहीं है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ से स्क्रू टाइट और अनटाइट करने चाहो या आप फास्टनर्स के साथ काम करना चाहो तो आप समझ लीजिए कि कॉर्डलेस ड्रिल ड्राइवर इसमें बहुत ज़्यादा कारीगर टूल है। हमें यहाँ पे टॉर्क सेटिंग मिलती है, उसके कारण हम नाजुक स्क्रूज के साथ भी एक ही मशीन से काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रिल का इस्तेमाल करोगे तो कोई भी स्पीड सेटिंग नहीं होगी, इसलिए नाजुक कामों में ड्रिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसी के साथ जो दोनों मशीन्स की टॉर्क डिलीवर करने की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे इसकी दो गियर सेटिंग्स होने की वजह से हम इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क काफ़ी लो आरपीएम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके कारण हमें स्क्रूज के साथ काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई भी स्पीड्स और टॉर्क सेटिंग्स हमें नॉर्मल मशीन में नहीं मिलते हैं। मैं ये आपको एग्जाम्पल दे के ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, तो मैं ये आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉर्डलेस ड्रिल को देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्क्रू लिया है और अब मैं इसे लकड़ी के अंदर ड्राइव करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये सेटिंग जो है वो स्क्रू के लिए की है और मैंने गियर 1 पे रखा है, मतलब ये लो आरपीएम हाई टॉर्क सेटिंग है। तो अगर मैं इस लकड़ी में बिना किसी पायलट होल के इस स्क्रू को स्क्रू इन करना चाहूँ और ये देखिए काफ़ी स्लो स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्क पैदा हो रहा है और मैं स्क्रू को आसानी से काफ़ी प्रिसीजन के साथ अंदर डाल सकता हूँ। और अगर मैं फास्ट भी करूँ तो जैसे ही ये
पूरी तरह से जाता है, जो मेरी टॉर्क सेटिंग है फिलहाल मैंने उसे 6 पे रखा है, तो उधर जाते ही इस स्क्रू को ये और अंदर नहीं डालेगा और हमारा मशीन वही रुक जाएगा। अगर यही चीज ड्रिल ड्राइवर पे हेड लगा के ट्राई करूँ, स्पीड कंट्रोल मिल जाता है। अगर मैं ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रिगर दबाऊँ तो ये स्लो स्पीड चलता है, जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँ इसका स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन इसमें तकलीफ यह है कि स्लो स्पीड में ये टॉर्क नहीं दे पाता। आपको इस एग्जांपल में ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ जाएगा। अगर मैं स्लो स्पीड ट्राई करूँ तो ये देखिए किस तरह से ये अंदर इसे ड्राइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्लो स्पीड में टॉर्क अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें कोई भी टॉर्क सेटिंग ना होने के कारण स्क्रू तो इसने अंदर डाल दिया, लेकिन ये देखिए ये इस तरह से होल अंदर होते ही जाएगा। मैं आपको और एक एग्जांपल से यही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम नॉर्मल साइज स्क्रू की जगह अब काफ़ी मोटा स्क्रू लेंगे कुछ इस तरह से, और उसे हम लकड़ी में डायरेक्टली ड्राइव करेंगे बिना किसी पायलट होल के या बिना किसी मदद के। तो हम ये देखिए मैंने इधर सिर्फ इसे थोड़ा सा दबाया है, तो ये देखिए आप मशीन को इसे डालने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और मोटर पे एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है। उसी के साथ ये अभी आप देखें तो ये पूरी तरह अंदर गया नहीं है, और मैं अगर इसे और अंदर डालने की कोशिश करूं तो ये अंदर तो गया लेकिन मेरा हेड पूरी तरह से ख़राब हो गया, क्योंकि वापस मेरे पास कोई टॉर्क सेटिंग नहीं थी। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें यहाँ फेस करनी पड़ती है, कि ज़्यादा टॉर्क के लिए हाई स्पीड यूज़ करना पड़ता है, और एक बार हमने हाई स्पीड यूज़ किया तो आइदर हमारा हेड ख़राब हो जाता है या स्क्रू डायरेक्टली धंस जाता है। तो दोस्तों ये मैंने और एक स्क्रू लिया है जिसकी मोटाई लगभग सेम ही है, साइज़ छोटी है। साइज़ छोटी होने का कारण यह है कि छोटे स्क्रू में तो हम अगर स्पीड बढ़ाए तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे कॉर्डलेस ड्रिल में डीसी मोटर होने के कारण हमें टॉर्क पूरी रेंज में ही मिलता है, और हम काफ़ी आसानी से ऐसे छोटे स्क्रू को भी हमारे लकड़ी में डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं विदाउट हेड को इस तरह ख़राब किए। मैंने टॉर्क सेटिंग यहाँ पे 10 पे की है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे और एक हो जाता है कि स्लो स्पीड होने के कारण मैं मेरे एंगल को या इसकी डायरेक्शन को भी काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा हेड बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, मैंने इसे आसानी से डाल दिया, छोटा होने के बावजूद भी इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख ही लिया कि जब स्क्रूज़ के साथ काम करने की बात आती है या हाई टॉर्क एप्लीकेशंस की बात आती है तो हमारी कॉर्डलेस ड्रिल हमारे कॉर्डर ड्रिल से कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। ये पर्टिकुलर मामलों में ये दोनों काफ़ी अलग काम करती है, क्योंकि इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि ये इसकी मैक्सिमम टॉर्क ये उसके हाईएस्ट आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है, जबकि ये लो आरपीएम पे भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। तो जहाँ तक इन दोनों की बात है, कॉर्डलेस ये ज़्यादा वर्सेटाइल डिवाइस हो जाती है कॉर्डेड से। इसी के साथ दोस्तों बेसिक डिफरेंस तो है ही, जो नाम में है कि ये कॉर्डलेस होने की वजह से आप कहीं भी जाके इसके साथ काम कर सकते हैं, कहीं तारों की ज़रूरत नहीं है, कॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसके साथ काम लेने के लिए आपको इसे कंटिन्यूस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो वो काफ़ी हार्ड टू रीच है और वहाँ पे पावर सप्लाई भी नहीं है, तो भी कॉर्डलेस ड्रिल आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगी। परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप 12 वोल्ट सिस्टम भी लेते हो तो जनरली आपके 90% कामों के लिए, जब तक बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं है, वो आपको चली जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे, धन्यवाद।